सिंपल एक गांव का हाउस प्लान डिजाइन। तो हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग। अगर आप विलेज में या सिटी में बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पर हमें पूरा वॉल चाहिए। आपको टीवी यूनिट या और भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कोई विंडो नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर भी पार्टीशन वॉल, यहाँ पर एक विंडो हम क्रिएट करेंगे नहीं। ओके, यहाँ पर वॉल, इसके अंदर हम ऐसे विंडो क्रिएट करेंगे, यहाँ पर वेंटिलेटर। नेक्स्ट, यहाँ पर हम विंडो क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर कोई वेंटिलेटर वन यहाँ पर हमने ऐड किया है। यहाँ पर 125 mm का वॉल। नेक्स्ट इधर, उसके बाद देखिए यहाँ पर वॉल। नेक्स्ट इधर इधर, उसके बाद यहाँ पर हमें विंडो चाहिए और यहाँ पर एक अच्छा सा विंडो, बड़ा वाला विंडो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, जो प्लानिंग है इस टाइप का रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें डोर चाहिए, तो हम डोर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें डोर चाहिए तो डोर ऐड करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें डोर चाहिए तो डोर यहाँ पर भी चाहिए। यहाँ पर हमें डबल डोर ऐसे क्रिएट करना है और यहाँ पर हमें ऐसे आर्च टाइप का एक डोर। उसके बाद बाकी जगह जहाँ पर है यहाँ पर हम विंडो क्रिएट करेंगे। विंडो के लिए देखिए यहाँ पर हमें ऐसे कलर ऐड करना है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर ऐसे, नेक्स्ट इधर इधर ऐड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर ओके से ऐड करने के बाद हमें उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर कुछ डिटेल्स भरना है। तो डिटेल्स के लिए हमें पहला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए, डोर यहाँ पर डोर D1, इधर गेट एंट्री डोर यहाँ पर डोर, यहाँ पर आप चाहे इस टाइप का डोर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम 12 फीट 6 इंच, 12 फीट 6 इंच एंड यहाँ पर 11 फीट 0 इंच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 11 फीट 4 इंच, यहाँ पर किचन, एट फीट 10 इंच एंड यहाँ पर 7 फीट 11 इंच। यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर रहेगा 5 फीट 0 इंच एंड यहाँ पर 7 फीट 11 इंच। ओके, यहाँ पर रहेगा बेसिन। ओके, यहाँ पर तो ऐसे यहाँ पर ऐसे हम क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्राइंग कम डाइनिंग। ओके, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, ड्राइंग कम डाइनिंग के लिए यहाँ पर 14 फीट 3 इंच यहाँ पर डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर 14 फीट 5 इंच, 14 फीट 5 इंच यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर पोर्च एरिया ऐसे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्च एरिया मिलेगा, PORCH पोर्च, यहाँ पर 7 फीट 5 इंच एंड इधर 8 फीट 5 इंच। नेक्स्ट, तो ये जो विंडो देखिए यहाँ पर, तो येलो कलर जहाँ पर है हम ऐसे विंडो वेंटिलेटर
इस विंडो पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है। मेन गेट के साथ यहाँ पर डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पर रहेगा सीट आउट एरिया। आप चाहे तो इसके नीचे एक टॉयलेट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेयर एरिया। ओके, मेजरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 8 फीट, यहाँ पर 8 फीट 9 इंच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेयर का जो पोजीशन है 3 फीट, 8 फीट, 3 फीट, 3 फीट यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 8 फीट। ओके, ऐसे यहाँ पर रहेगा इसका डिजाइन। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर ऐसे, ऐसे, इधर ऐसे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ कॉलम ऐड कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद यहाँ पर एक 16 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इसका जो मेजरमेंट है कितना मेजरमेंट देखिए, 28 फीट 0 इंच एंड 32 फीट 0 इंच। आपके पास इस टाइप का अगर प्लॉट या कोई भी बिल्डिंग करने का जगह है तो आप इस टाइप का डिजाइन बना सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर पोर्च एरिया आपको देखिए, यहाँ पर ओपन पोर्च एरिया मिल जाएगा। तो बाहर का जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, तो 28 × 32 फीट इज इक्वल टू 896 स्क्वायर फीट। तो कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो कॉस्ट 16 लाख प्लस आपको कॉस्ट आ जाएगा अगर आप टोटल कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है इसका। तो यहाँ पर जो देखिए कॉलम, कॉलम यहाँ पर 10 by 12 inch का कॉलम आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 नंबर्स 12 mm तो और आप यहाँ पर इस्तेमाल कर दीजिए। और इसका जो देखिए यहाँ पर ब्रिक्स, यहाँ पर आपको 15,000 पीसेस ब्रिक आपको लगेगा। सीमेंट को 500 to 600 बैग्स यहाँ पर लग जाएगा। ओके, और रेनफोर्समेंट आपको 2.2 टन तक यहाँ पर आ जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। तो वही थे प्लान डिजाइन। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।